छह से विभाज्यता की जांच। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि छह से विभाज्य होगी तो वह छह के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स यानी दो और तीन से भी विभाज्य होगी। इसलिए छह से विभाज्यता की जांच करने के लिए उस संख्या की विभाज्यता दो और तीन से जांचनी पड़ेगी। दो और तीन से विभाज्यता के नियम याद करें। दो से विभाज्य होने के लिए संख्या का इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए। तीन से विभाज्य होने के लिए संख्या के सभी अंकों का जोड़ तीन से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 1248 संख्या लें, 1248 का इकाई का अंक 8 है, यानी 1248 दो से विभाज्य है, और 1248 के चारों अंकों का जोड़ 1 + 2 + 4 + 8 = 15 है, जो 3 से विभाज्य है। अतः 1248 छह से विभाज्य होगी। 7 और 11 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता की जांच। 91 को 7 से भाग करें। क्या 91 में 7 का पूरा भाग चला जाता है? क्या भाग करने पर शेषफल 0 है? यदि हाँ, तो क्या 91 7 से विभाज्य है? हाँ, 91 7 से विभाज्य है। हमने यह कैसे जाना? यदि हमें किसी संख्या की 7 से विभाज्यता की जांच करनी है, तब हम संख्या को 7 से भाग करते हैं। यदि शेषफल 0 हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। दो अंकों वाली संख्याओं की विभाज्यता की जांच भाग से ही करते हैं, परंतु क्या 3 या उससे अधिक अंकों वाली संख्या की भी विभाज्यता की जांच उसी प्रक्रिया से करते हैं, या कोई और भी तरीका है? 7 से विभाज्यता की जांच के कई तरीके हैं। हम उनमें से कुछ तरीकों की मदद से विभाज्यता जांचेंगे। एक 3 अंकों की संख्या ABC लें। उसका विस्तारित रूप होगा 100A + 10B - C। 100A + 10B - C = 98A + 7B - कोष्ठक में 2A + 3B - C। इसे ऐसे लिखते हैं ताकि 7 गुणनखंड कॉमन फैक्टर दिखें। 7 कोष्ठक में 14A + B - कोष्ठक में 2A + 3B - C। यहाँ 7 कोष्ठक में 14A - B तो 7 से विभाज्य है ही। अब यदि कोष्ठक में 2A + 3B - 7 से विभाज्य हो तो ही संख्या ABC 7 से विभाज्य होगी। करके देखें। ऊपर दिए गए तरीके से निम्नलिखित संख्याओं की 7 से विभाज्यता जांचें। 373, 644, 343, 861। अब कुछ और 3 अंकों की संख्याएं सोचिए और 7 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 3 अंकों से बड़ी संख्या की 7 से विभाज्यता जांचने के लिए कुछ और भी तरीके हैं। आइए एक तरीका और देखें। संख्या 364,847 पर विचार करते हैं। इसे हम 7 से भाग देकर देखते हैं। यह 7 से भाग जाने का एक और तरीका बताया जा रहा है। 364,847 संख्या के इकाई के अंक को अलग करके शेष संख्या लिखेंगे। इस इकाई के अंक में हम 2 का गुणा करते हैं और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम प्राप्त 5 अंकों की संख्या में से 36,484 में से
घटाते हैं। घटाने पर हमें मिलता है 36,470। अब इस 36,470 जो संख्या मिली है, इसके इकाई के अंक को इससे अलग कर दें तो हमें मिलता है 3,647। इस इकाई के अंक में भी हम दो का गुणा करेंगे, इकाई का अंक यानी शून्य, शून्य में दो का गुणा करने पर शून्य मिलता है। 3,647 में से शून्य घटा दें तो हमें मिलेगा 3,647। आइए अब इसके आगे देखते हैं। संख्या हमें मिली थी 3,647, इसके इकाई के अंक 7 को अलग कर देते हैं और फिर पिछली बार की तरह 7 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 14। 14 364 में घटाइए तो हमें मिलेगा 350। अब इस संख्या 350 में से इकाई का अंक अलग करेंगे और इस इकाई के अंक में फिर से पहले की तरह 2 का गुणा करते हैं, यानी इकाई के अंक शून्य में 2 का गुणा करने पर हमें फिर से शून्य मिलेगा। बची संख्या 35 में शून्य घटाने पर हमें प्राप्त होती है संख्या 35। चूँकि 35 7 से विभाज्य है, अतः 364,847 भी 7 से विभाज्य है।